पिछले 15 सालों से हर प्यार करने वाले की दिल की धड़कन। इश्क जादू के दरमियां रहता है जो रेडियो सिटी लव गुरु। सर एक्चुअली क्या मेरा 3 साल से रिलेशनशिप था। उस लड़के ने मुझे स्टार्टिंग से ही अपनी आइडेंटिटी छुपाई। उसने मुझे बोला कि मैं हिंदू। आफ्टर 1 ईयर मुझे पता चला ही इस मामला। ओके सो मैंने उसे तब भी कुछ नहीं कहा बिकॉज आई रियली लव हिम। उसका मुझे एक्स्ट्रा अफेयर पता चला, मैंने तब भी कुछ नहीं कहा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बस इसलिए मैं बर्दाश्त करी, नहीं तो मैं कभी नहीं करती। सेकेंड टाइम फिर निकला। अब वो इतना टाइम उसने मुझे शॉक दे दिया कि ही इज गोना मैरिड। मतलब मेरी प्रॉब्लम ये कि मैं अपने आप को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही हूँ, कंट्रोल ही नहीं कर पा रही हूँ अपने ऊपर, कि मैं वो नहीं समझ रहा और उसे मैं जानती हूँ उसे फर्क है ही नहीं। अगर एक इंसान एक गलती करता है ना तो आप उसे माफ कर देती हैं, आपको लगता है कि चलो कोई बात नहीं, भूले से गलती हो गई, एक मौका हर कोई डिजर्व करता है। बट एक इंसान अगर फिर से गलती करता है और एक इंसान जब झूठ की बुनियाद पर रिश्ते रखता है ना तो दरअसल उसकी इंटेंशन समझ में आती है कि बस वो आपसे किसी भी तरीके से नजदीक होना चाहता है। वरना जो इंसान लॉन्ग टर्म एसोसिएशन देखता है ना कि जिंदगी भर आपके साथ चलना है तो वो शायद ऐसी बेसिक बातों पर झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि उसे पता रहेगा कि आज नहीं तो कल अगर ये बात आपको पता चलेगी तो ये रिश्ता तो खत्म हो जाएगा। और मुझे लगता है कि अगर रिश्ता ऐसे बुरे फेज में पहुंच जाता है ना तो उसमें कहीं ना कहीं आपका भी किरदार बहुत अहम होता है। आप भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्योंकि आप एक इंसान की गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। आप भी जानती हैं कि उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो प्यार ही क्या जिसमें एक इंसान आपकी चेहरे पर वो मुस्कुराहट ना देखना चाहता हो। वो प्यार ही क्या जिसमें एक इंसान आपको पैम्पर ना करे। एंड दैट्स इट। आप जान नहीं सकते कि मैं उस टाइम पे इतनी परेशान हूँ ना कि मैं किसी से अपने दिल की बात कह ही नहीं पा रही। मैं खुद ही नहीं चाह रही कि मैं क्या करना चाह रही हूँ। फिजिकली भी थे हम। फिजिकल आप अपने कंसेंट से हुई, राइट? या सो डोंट ट्रीट इट एज अ ट्रॉमा। आपकी जिंदगी में कुछ कड़वी मीठी यादें होती हैं, कुछ यादें साथ चलती हैं, कुछ बातों से आप सीखते हैं, तो लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस और आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। थैंक यू। रेडियो सिटी लव गुरु सुनने के लिए ट्यून इन करें रेडियो सिटी 91.1 FM पर हर रात 9 बजे से। इस वीडियो को लाइक करें और अपनी लव प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में लिखें और इसके सॉल्यूशन के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं।